Hi guys, this is Ruchi and you're watching my channel PRV Experiences with Ruchi. Hope you all are doing great. So first of all, a very 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 good morning to all of you. And आज हमारा कूर्ग का प्लान है. कूर्ग कर्नाटक का एक हिल स्टेशन है. आई थिंक वो यहाँ से 270 किलोमीटर्स अराउंड दूर है और 4 to 5 आवर्स लगते हैं वहाँ तक के जाने के. तो आई मीन इट्स डिपेंड अपॉन योर कार स्पीड. सो वी आर वेटिंग फॉर आर ड्राइवर जो अभी तक नहीं आए हैं. सो लेट्स सी, आई मीन लेट हिम कम. सो फाइनली आर कार हैज कम. सो नाउ वी आर ऑन द वे. और अब हमें घर से निकले हुए करीबन 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं और हमारे पेट में चूहे खुदना शुरू हो गए हैं. इनफैक्ट बहुत बड़े वाले चूहे खुदना शुरू हो गए हैं बिकॉज वी स्टार्टेड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग और मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया था. See, because I believe vacations means full vacations for all. So next 6 to 7 days I'm not gonna do anything except making my vlogs because that is for my viewers, right? So this is the place where we are going to have our breakfast. और ये एक बहुत ही popular restaurant है जिसका नाम कामत है. And बहुत सारी वैरायटी है यहाँ. सो फाइनली वी आर डन विद आर ब्रेकफेस्ट. तो फाइनली हम कूर्ग पहुँच चुके हैं एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. एंड आई थिंक ये रिसॉर्ट का मेन एंट्रेंस है. शायद इसको एक्सटेंड किया जा रहा है. आई मीन आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक सो. सो दिस इज द एंट्रेंस. वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. आई मीन जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा ऑसम प्लेस है. एंड इस रिसॉर्ट का नाम कूर्ग वाइल्डरनेस रिसॉर्ट है जिसके रिव्यूज़ चेक करने के बाद हमने इसे बुक किया था. एंड एक फ्रेंड ने भी इसे रिकमेंड किया था. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कूर्ग फॉर वेकेशंस देन दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टे. एंड रिसेप्शन एरिया में पहुँचने के बाद फर्स्ट थिंग विच दे डू दे सर्व अ कॉम्प्लीमेंट्री वेलकम ड्रिंक जो कूर्ग स्पेशल है जिसे चुका कॉफ़ी भी कहते हैं और जिसके इंग्रेडिएंट्स लाइक जिंजर पेपर कार्डिमम एंड ऑफकोर्स कॉफ़ी ऑल्सो. सच ऑसम ड्रिंक. सो फाइनली वी रीच्ड इन द रूम. सो दिस इज द रूम. सच अ ब्यूटिफुल रूम दिस इज. आई मीन सो स्पेशियस रूम. एंड इंटीरियर बहुत अच्छा है. आई मीन सच में आई लव दिस रूम. एंड द व्यू फ्रॉम द बालकनी इज ऑल्सो वेरी गुड. आई शो यू वेट. या सो दिस इज द व्यू. सच अ ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द बालकनी. सो गाइज इट्स 7 o'clock और अब हम उस सेलिब्रेशन के लिए चलते हैं जिसके लिए स्पेशली हम कूर्ग आए हैं. दैट मीन्स प्रखर्स 3rd बर्थडे. और आज प्रखर ने थोड़ा सा ज़िद किया हुआ है कि ही विल नॉट गो आउट फ्रॉम द रूम बिकॉज ही लव द रूम. तो हमने उसकी पार्टी के लिए जो भी कुछ अरेंज किया है एवरीथिंग इज़ इनसाइड द रूम. एंड आई होप कि उसे पसंद आए. और केक के लिए भी हमने रिजॉर्ट वालों को ऑर्डर किया हुआ है. सो लेट्स सी कि वो किस तरह का केक भेजते हैं. आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छा हो और प्रखर को पसंद भी आए. एंड डेकोरेशन स्पेशली बिकॉज मैं करने वाली हूँ वो. और आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उसको कैसा लगेगा. आई मीन ही इज सो एक्साइटेड फॉर हिज 3rd बर्थडे. सो लेट्स सी. एंड I mean, I don't know what to do. I mean, what kind of decoration I'll do. So, I'll share the video with you. Thank you.
के लिए आए हैं जो हम रिजॉर्ट के ही रेस्टोरेंट में आए हैं, बट हमने प्रखर की केक कटिंग और उसका डांस का कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया है, दैट इज़ वेरी सैड, बट जितना भी किया है हमारे लिए वो भी इम्पॉर्टेंट। तो गाइस, प्रखर्स बर्थडे इज़ ओवर और उसे डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी। हमारा डिनर एंड ऑल सब कुछ ख़त्म हो चुका एंड इट्स नाउ 11 o'clock, तो काफ़ी थक गए हैं हम सब। एंड प्रखर कम, प्रखर इज हेयर ओनली, प्रखर कम। ओके, हाउ वॉज योर डेकोरेशन? नाइस। एंड हाउ वॉज योर डिनर? नाइस। नाइस, व्हाट डिड यू ईट इन द डिनर? केक। केक एंड मेकअप बुक कैसे मेकअप कट ब्लो मेकअप बुक कैसे मेकअप कट ओके नाइस मेकअप एक केक ओके ओके नाउ ओके नाउ से गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट, से सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग सी यू सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। नेक्स्ट